आदमी क्यों ना समझो, देखो भैया आज धर्मराज दुमारी होइगे। धर्मराज ने द्रौपदी को भी लग दिया दांव पर। जौन आदमी घर बेच ले, खेत बेच ले, लड़िकन का ना समझे, अपने भाई का ना समझे, बाप का ना समझे, तो यू बताओ औरत का कब समझी? औरतों को समझी कही जब सब गवा तो यह बहसी जाए हटे यह कौन तीर मारी। धर्मराज ने द्रौपदी को रख दिया, ओ भैया क्या भवा। और सभा बीच में धर्मराज जी भैया पल मारे, और सभा बीच में धर्मराज जी पल में भैया हारे। और चार भैया जो भलमा बैठे बैठे रोवे बिचारे। महाराज छूट गए गद्दी सगरी राज, और बैठे आंसू बहाए रहे हैं सभा में वो धर्मराज। मेरे भैया रे, मेरे भैया रे, क्या नई लीला पर दे ली जो, ऐसा काराम करो कोई ना है। मेरे भैया रे, मेघा जल बरसाए रहे हैं, मोर बोल रहे भाई। मेरे भैया रे ऐसी लील, मेरे भैया रे लीला सुनो लगा के कान, ऐसा तारा मैं करो कोई ना। द्रौपदी को हार गए, उस समय दुर्योधन खड़ा हो गया और पांचों पांडवों से बोला, ए चैडम बैठो, जौन कहा कौन करी हो तो शासन से। दुर्योधन बोला जाओ जाओ, पकड़ के लाओ इंडियन नालायक कमीनी को। उस दिन उसने कहा था कि अंधन के अंधे होते, हाँ तुमका पता लागी, जाओ पकड़ के लाओ। भैया दुशासन चला है, रामायण में यहां औरतें लड़ी है, रामायण में यहां औरतें खूब झुटिया नचौवर के हैं, मातारी बिटिया। लेकिन महाभारत में यहां औरतें नहीं लड़ी, भाई भाई लड़े, कौन समझ लेना। ए दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ। उस समय दुशासन चला, भानुमती दुर्योधन की पत्नी गेट पर खड़ी थी, तो शासन को डांटा, है कहां जा रहा है? तो शासन बोला द्रौपदी को लेने। किसका आदेश? भैया का आदेश। भानुमती ने तुरंत डांटा, है दुशासन लौट जा पीछे को, सभा के अंदर घर की छोटी बहू जाएगी, लौट जा। तो शासन लौट आया, दुर्योधन बोला बुला के लाया कि नहीं लाया? दुशासन कहने लगा, भैया भाभी भानुमती ने लौटा दिया। एकदम दुर्योधन लाल हो गया, लाल हो के आदेश दिया, जाओ। पिक्चर में यहां देखे हो डालांक, जब गुंडा भेजते हैं अमरेशपुरी तब धर के डांटी, जाओ बुला के लाओ, चप्पा चप्पा ठान मारो। मजा आएगा हुए है? क्या बात है, क्या बरात है। दुर्योधन बोला कि जाओ तुरंत पकड़ के लाओ, अब की दुशासन बहुत गुस्सा के चला है,
और जब भैया जब पहुंचा है महल में तो उस समय द्रौपदी की हालत भैया बहुत नाजुक थी। द्रौपदी कौन से है? हमारे घर की लड़की बिटिया हो चाहे आपके घर की, हमारी लड़की बेटियों में एक महीना में दो चार दिन ऐसे होते हैं जो लड़की बेटियां बहुरिया भले पर उसके सामने नहीं पड़ती, वही हालत द्रौपदी की है। रजस्वलाती द्रौपदी बैठी अंग संहारी। द्रौपदी किनारे बैठी है कोने में, उस समय दुशासन गया और द्रौपदी के पकड़ के बाल और खींचने लगा। चल भैया, औरत को मारना लेकिन बाल पकड़ के कभी नहीं मारना चाहिए। औरत हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे कोई हो, स्त्री के बाल पकड़ के कभी नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि रावण ने सीता के बाल पकड़ा था तो क्या हुआ, 302। कंस ने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ा था तो क्या हुआ, 302। आज दुर्योधन बाल पकड़ा है, दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ा है तो क्या होगा, मौत। सजाए मौत मिलेगी, बाल को हिलाने से हो सजाए मौत मिली। दुशासन पकड़ लिया बाल और खींचता हुआ चल पड़ा तो द्रौपदी चिल्लाने लगी, भैया तात चलती हूं जरा सर को उठा लेने दे। भैया हम क्या चल रही हूं, हमें छोड़ दे। यही वही बात भाई, भैया उसी वक्त लाकर दुशासन द्रौपदी को सभा में तुरंत खड़ा कर दिया। दुर्योधन उठा और द्रौपदी से बोला है, देवी याद है, याद करो वा बतिया की जब अंधरण की अंधरा बनाए रहो, हम चाहलम परे रोई तिरहन तुम छति पर खीसे बनाए रहो। तुम का बात याद है, कह रहा हूं अंधरण के अंधरा हो, मैंने कहा है कि तेरे को नंगित करके अगर जंघा पर ना बैठाया तो मेरा नाम दुर्योधन है। सबसे पहले दुर्योधन की दहिनी जांग ही भीम ने तूरा था, पढ़ लेना महाभारत। दुर्योधन आया और धर्म एकदम बोला द्रौपदी से, देवी देख ले ये सारा जमाना बैठा है और ये जमाना ये दुनिया ये महफिल कोई काम की नहीं, या समाज तेरे काम की कोई नहीं खे, तेरे पांच पति हैं लेकिन यहो हमरे कब्जे में हैं, इनका गिरफ्तार कर चुकन है। अब जी का अपन समझो बुला लो, क्षमता हो तो मर्यादा बचा ले। द्रौपदी को अपने पति धर्मराज पर बड़ा नाजुक है, मालूम नहीं कि जो हम हार गए। तो द्रौपदी ने धर्मराज की तरफ जब इशारा किया तो क्या देखा, सर लटकाए बैठे हैं। अर्जुन की तरफ इशारा किया, अर्जुन गांडी धनुष खड़ा किए बैठे हैं, कहां तुम्हारा धनुआ है, ये हो दिया अर्जुन, देखो ये हो दिया भाई, मुंह सुनाई मार पाओ बड़ा अर्जुन बाप बंत। अब जा तने खड़ा किस रहा है धनुष, फिर ब्याण कह लिए भैया। ए जिस समय द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से बोली, स्वामी मर्याद जा रही रानी की, ये दुनिया भाव दिखाएगा, अब शांत पिया तुम बैठे हो, ये गांडीव काम कब आएगा। जो गांडेव धनुष कौने दिन काम आई, तो अब अर्जुन भैया के प्यार बंधे वाला ब्यार ब्यार धनवा चमके ब्यार ब्यार का इशारा करें और हमारे गुस्सा लागे कहो भोग भाग दिया कोई करे, तो अर्जुन चुप्पे धनवा रख दी। नकुल सादेव की तरफ द्रौपदी ने इशारा किया, ए जब तक हम आप दुनिया में बिंधे रहते तब तक परमात्मा हमारी तरफ नहीं रहता, जब तक हम आप दुनिया में रहते तब तक भगवान हमारे सहारे हमारी तरफ नहीं रहता, जब दुनिया के रिश्ते हम तोड़ देते हैं भगवान से रिश्ता जोड़ लेते हैं। ए सब चीज छोड़ दो, ए सब चीज छोड़, बहुत जने कहे कदुआ न खाओ लौकी न खाओ भाटा न खाओ तोरई न खाओ,
कटहल न खाओ, भिंडी न खाओ, गुइया न खाओ, बंडा न खाओ, सब खाओ, सब खाओ, सब चीज खाओ, जतनी धरती चीज सब खाओ, सब खाओ, हमरे कहे से नया चीज और खाओ, जो उनका बहु न खाए हो वह और खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, है नहीं? क्या बात है, सब चीज खाते हो तो हमरे कहे से एक चीज और खाओ, कौन? राम नाम खाओ, राम क्या नाम खाओ, और जब तुम राम नाम खाए लगे हो तो कहे कि नहीं परी का छोड़े का खाए, राम के यहाँ जौन प्यार हो वह चीज रखे हैं और जो नहीं प्यार हो वह आप छोड़ जाई, सब चीज नहीं छोड़ खाओ तो सब खाओ, राम को नाम खाओ, जब राम खाए लगे हो आत्मा के अंदर बसावे लगे हो तो मैं वादा करता हूँ कि जितनी चीज खाए वाली है वह सब खाओगे, जितनी अवगुण है वह सब तुम्हारे दूर हो जाएंगे। भगवान से सवेरे उठ के प्रार्थना करा करो, मेरा अवगुण बड़ा शरीर प्रभु जी तारोगे, मेरा अवगुण बड़ा शरीर प्रभु कब तारोगे, कब तारोगे, ये शरीर अवगुण है भैया, इमा गुण एक्को नहीं है, ये शरीर अवगुणों का घर है भाई, आंखी दिन भर चकर मकर कहाँ टपका, कहाँ भैया कहाँ, कहाँ हाल वो आंखी अवगुण करती नहीं करती, आंखी अवगुण करती, आंखी ना हो तो लफड़े दूर, कान ओम जय जगदीश्वर तय वैसी डीजे करो बजा दिन, अवगुण कह रहे नहीं कह रहे, सब अवगुण ही अवगुण है, इसलिए मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कब तारोगे, ये भजन गाया करो। अब भजन नहीं गाया तो द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा लेकिन द्रौपदी को कोई भाई उसका पति साथ नहीं दिया, एक पति पर द्रौपदी को बड़ा गुमान है, कौन? द्रौपदी सोची जाए चार पति हमारे निकल जाए मैदान में ना खड़े हो, लेकिन एक आदमी हमारे नहीं हटी, कौन? अरे हमारी बुघारी देखी नाए पाई हैं, तो कहीं कर भी मगदा गहिले हैं, देखिए लेकिन भीम हम का ना देखे हैं, गलत हम का नहीं देख सकत भीम, आप भैया जब 5 मिनट हो गए दुर्योधन आया द्रौपदी और कोई बुला ले, तो द्रौपदी ने बाबा भीष्म पितामह की तरफ याद किया, बाबा से कहा बाबा ए बाबा इनका समझा लो लौंडन कहिया और तक ना कहो खून के नदी वही है, तुमका बता दी थी हम मायावती न, जब इतना कहा तो बाबा भीष्म पितामह की ये सब परिवार ये कोई है, भीष्म पितामह सबका बिहाव ही करें ना है, भीष्म पितामह से ने बड़ा कनो घर में है नहीं, यह बस सब बाबा कह रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को डांटा और दुर्योधन से कहा ए ए दुर्योधन तू क्या कर रहा है, घर की लड़की बिटिया बहू है इका छोड़ दे घर है जा दे, सत्यानाश हो जाए मामला, दुर्योधन तुरंत डांटा, जवान आदमी के रे जोश और बुढ़वा के रे होश, बूढ़े आदमी के रे होते होश, जवाने के रे होते जोश, दुर्योधन बोला है बाबा चुप्पे बैठो, कोई कोई लड़का आ जाओ देखो जो बप्पा कहला गए भैया भैया हमारी बात मानो तो बड्डू पुन्ना जाओ, चुप्पे चुप्पे बैठो तुम, चुप्पे फकना खाओ समझो, लपर लपर कर तो मालूम कुछ नहीं, तो बुढ़वा बहुत टाटा लगाए है, लड़का अपने बाबक बापक बात काट देत, लेकिन सुनो गौर से,